हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 16 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन की तरफ। तो आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है हार्वेस्ट फेस्टिवल को लेके। इंडिया में जो स्टेट हैं उन सब के द्वारा अपने हार्वेस्ट फेस्टिवल वो आयोजित किए जाते हैं या मनाए जाते हैं। तो यूपीएससी इनके बारे में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हम थोड़ा एक बार इनको देख लेते हैं। एक तो देखो, जो भी रिसेंटली 14 जनवरी को था मकर संक्रांति था वो है। तो मकर संक्रांति है वो मनाया जाता है बेसिकली जब सूर्य है वो मकर राशि में प्रवेश करता है। और इस दिन होता क्या है कि दिन है वो लंबे होना शुरू हो जाते हैं, मतलब दिन है वो रात की कंपेरिजन में बड़े होना शुरू होते हैं। इसके बाद में आता है पोंगल। पोंगल जैसे कि आपको बता दूं कि आज है वो साउथ इंडिया में पोंगल त्यौहार को मनाया जा रहा है। तो ये बेसिकली साउथ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि तमिलनाडु में मेनली मनाया जाता है। और यह 4 दिन तक चलने वाला एक फेस्टिवल है जो कि साउथ का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है। इसके बाद में आता है माघ बिहू। माघ बिहू है वह है आसाम से। देखो, उसको आप ऐसे आ सकते हो कि जो बिहू डांस है वो आसाम से रिलेटेड है, तो इसलिए से आप इसको याद कर लेना कि माघ बिहू है वो आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट के अदर हिस्से हैं उनमें माघ बिहू त्यौहार को मनाया जाता है, जो कि सीजन की जो पहली फसल है उसको लेके मनाया जाता है, मतलब जनवरी के महीने में नॉर्मली इसको मनाया जाता है। इसके बाद में है उत्तरायण। उत्तरायण है वो देखो गुजरात के अंदर मनाया जाता है। इस दिन पतंग वगैरह वहां पे उड़ाई जाती हैं जो कि गुजरात से बिलोंग कर रहा है। इसके बाद में है माघी। माघी है वो पंजाब से बिलोंग करता है जो कि मकर संक्रांति के तौर पे ही मनाया जाता है, मतलब मकर संक्रांति को पंजाब के अंदर माघी के नाम से मनाया जाता है। और इसमें एक रिवर है वहां पे, उस रिवर पे स्नान किया जाता है जो कि एक इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा माना जाता है। इसके बाद में आता है साझी। साझी है वो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ही, तो यह चीज ध्यान में रखना है। साझी है वो संक्रांति शब्द का एक पहाड़ी शब्द है जिसका मतलब होता है कि नए महीने की शुरुआत करना। और आपको बताया कि जो अगर हम हमारा जो हिंदी कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पे माघ महीना चल रहा होता है, तो माघ महीने की शुरुआत के प्रतीक पे साझी त्यौहार को या साझी फेस्टिवल को मनाया जाता है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद में लास्ट आता है किचेरी। किचेरी फेस्टिवल है वो मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो यह ध्यान रखना है। इसमें भी ये अनुष्ठान वगैरह में क्या इंपॉर्टेंट है कि जो स्नान वगैरह है वो किए जाते हैं धार्मिक स्नान। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो हमें यहाँ पे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है। मैच द फॉलोइंग वगैरह में से यूपीएससी आपको 5-6 तरह के ऑप्शन दे देगी, तो उसमें पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मकर संक्रांति, पोंगल, इस तरह से अलग अलग। तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसकी देखो इंग्लिश स्लाइड भी मैंने यहाँ पे उपलब्ध कराई है, मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू, उत्तरायण, माघी, साझी और यहाँ पे केचरी के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है फॉर्मेलिन को लेके। देखो हम देख लेते हैं भाई फॉर्मेलिन है क्या और क्या इसका इश्यू है। देखो फॉर्मेलिन आपको बता दूं, आपने बचपन में स्कूल के अंदर जो लेबोरेटरीज वगैरह थी वहां देखा होगा कि जो काफी जीव वगैरह होते थे, जैसे मेंढक वगैरह होता था, फिश वगैरह होती थी, तो उनको एक व्हाइट सा लिक्विड होता था ट्रांसपेरेंट पानी जैसा, उसके अंदर फ्रिजर करके रखते थे बायोलॉजी की लैब में। नॉर्मली वो जो लिक्विड सा होता था वो होता था फॉर्मेलिन। देखो फॉर्मेलिन एक तरह का लिक्विड है जो काम क्या करता है कि जो भी टिश्यू और जो ऊतक होते हैं इनको गलने से, इनमें बदबू आने से रोकता है, मतलब वो खराब ना हो, इनके रोकने का काम इसका होता है ताकि चीजें जल्दी सड़े नहीं। अब इसका यूज क्या होता है, देखो आज के टाइम पे इंडस्ट्रीज में इसका बेसिकली यूज है वो करने लग गई थी जो यहाँ पे फिश इंडस्ट्रीज है या फिर जो मतलब सी फूड प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मछली है वो काफी जल्दी खराब हो जाती है, तो इसलिए मछली को प्रिजर्व करने के लिए, लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए फॉर्मेलिन का यूज है वो किया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेलिन है अगर इससे टच में, इसके जो भी टच में चीजें होती हैं अगर उनको इंसान खाता है तो उस इंसान में पेन वगैरह स्टार्ट होता है बॉडी में, इसके साथ ही वोमिटिंग हुआ, कई बार इंसान कोमा में चला जाता है, इसके साथ ही इंजरी होती है, कैंसर जैसी डिजीज भी होने के चांसेस रहते हैं और कई बार तो डेथ तक भी हो जाती है। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं कि अगर इंसान है वो फॉर्मेलिन से जो प्रभावित फिश वगैरह है, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा खाता है, मांस वगैरह, नॉनवेज, इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, चाहे वेज हो चाहे नॉनवेज, तो उससे इंसान की तबीयत को नुकसान है वो हो सकता है। तो फॉर्मेलिन है वो क्या है, एक केमिकल है फॉर्मेल्डिहाइड का। फॉर्मेल्डिहाइड वैसे एक गैस भी है जो कि फॉर्मेलिन से ही बनती है, तो यह ध्यान रखना। इसको फिश को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए नॉर्मली यूज है वो किया जाता है। तो ये क्या करती है, फिश को कंजर्व करने में या प्रिजर्व करने में हेल्प करती है ताकि फिश जल्दी खराब ना हो और लंबे टाइम तक उसका उपयोग वगैरह किया जा सके। तो ये इसके बारे में कुछ फैक्ट है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो अभी देखो इश्यू ये था कि जो फिश हैं उनको इसमें फॉर्मेलिन में प्रिजर्व किया जा रहा था, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान है मतलब खतरे में आ गई। कई बार ऐसे इश्यूज भी सामने आए थे, गवर्नमेंट ने काफ़ी रोक लगा रखी है कि फिश या जो सी फूड है इनको आप फॉर्मेलिन में
स्टोर है, या इनमें कंजर्व प्रिजर्व ना करें ताकि ये खराब हो सकती हैं, और इनका साइड इफेक्ट है वो ह्यूमन बॉडी पे भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट ने मना तो किया, बट फिर भी जो कंपनी है वगैरह वो इनका यूज है वो करती हैं, इसलिए इसको अभी बैन वगैरह भी, मतलब इस तरीके से स्टे वगैरह भी इस पर लगाया गया कि भाई आप फॉर्मलिन का यूज है वो फिश वगैरह में ना किया जा सके, एक जो लिमिटेड मात्रा रखी गई है गवर्नमेंट की उसी के अंदर फॉर्मलिन का यूज है वो करना है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है। अब हम कुछ और फैक्ट देखते हैं। देखो जो नॉर्मली जो फिश होती है उसको 5 डिग्री सेल्सियस या इससे कम टेम्परेचर पे प्रिजर्व करके रखना होता है, और नॉर्मली जो फिश होती है वो बहुत जल्दी खराब होने वाली कम्युनिटी में शामिल है वो होती है। मतलब अगर फिश को हम थोड़े टाइम भी बाहर रखते हैं तो वो जल्दी ही बदबू मारने लग जाती है और जल्दी ही वो गंदी हो खराब होने शुरू हो जाती है। तो इसलिए जो फिश की जो लाइफ है या जो सेल्फ लाइफ है उसको इंक्रीज करने के लिए फॉर्मलिन का यूज है जो होता है, जो कि केमिकल है, और इसी के साथ अमोनिया का भी कई बार यूज है वो किया जाता है। तो यूपीएससी पूछ सकती है ऐसे स्टेटमेंट के थ्रू कि फॉर्मेलिन और अमोनिया का यूज है वो फिश को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना कि हाँ जी फॉर्मेलिन और अमोनिया दोनों का यूज है वो इसके लिए किया जाता है। अब जो फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस होती है फॉर्मेलिन से बनती है वो हाई रिएक्टिव, मतलब काफी जल्दी किसी से क्रिया करने वाली होती है और एक ज्वलनशील गैस है वो होती है। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि फॉर्मेल्डिहाइड है वो हाईली रिएक्टिव और इसके साथ ही फ्लेमेबल, मतलब काफी ज्वलनशील गैस है वो होती है। तो हाँ जी बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे एक ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन सागरानी। देखो ऑपरेशन सागरानी है वो केरला फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा चलाया गया था जून 2018 में, मतलब लास्ट ईयर जून में ऑपरेशन सागरानी चलाया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा। और इसका मोटो ये था कि जो फॉर्मलिन से जो इफेक्टेड जो भी फिश प्रोडक्ट हैं या जो भी सी प्रोडक्ट हैं इनको मतलब खत्म किया जाए और इनका यूज नहीं किया जा सके, इसके लिए काफी अभियान है, मतलब तरीके से जाँच पड़ताल है वो चली थी। तो ये ध्यान रखना कि करिए किससे रिलेटेड है, जो फिश प्रोडक्ट में जो फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होता है उसको रोकने के लिए ये प्रोग्राम वो तमिलनाडु सॉरी वो केरला फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा स्टार्ट है वो किया गया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है क्रोकोडाइल सेंसस के बारे में। देखो अभी रिसेंटली क्रोकोडाइल की जनगणना है वो की गई थी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूपीएससी पहला फैक्ट तो यहाँ पे ये पूछ सकती है कि जो क्रोकोडाइल सेंसस है वो किसके द्वारा किया गया है, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। देखो उड़ीसा के अंदर हमें पता है कि एक भितरकनिका नेशनल पार्क है, भितरकनिका जो नेशनल पार्क है वहां पे अभी रिसेंटली जो सेंसस हुआ है क्रोकोडाइल का उसमें ये चीज सामने आई है कि जो सोल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल होते हैं उनकी संख्या में इजाफा मिला है, मतलब उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो ये फैक्ट यूपीएससी पूछ सकती है कि क्रोकोडाइल सेंसस के तहत अभी पता चला कि जो सी सोल्ट वाटर या फिर जो एस्चुरी क्रोकोडाइल होते हैं उनकी संख्या में या उनकी जो जनसंख्या है वो अभी बढ़ी है। तो जी हाँ ये बिल्कुल सही है। अब देखो नॉर्मली जो क्रोकोडाइल होते हैं ना वो उसकी 3 स्पीसीज होती हैं, एक तो होती है सोल्ट वाटर वाली, एक होती है मुगेर, एक होती है घड़ियाल। मुगेर होता है वो एक इंडियन क्रोकोडाइल की स्पीसीज है जो कि मार्सी क्रोकोडाइल है और इसी के साथ ही इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये ध्यान रखना है कि इसे IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में शामिल है वो किया गया है। और नॉर्मली जो मगर जो यहाँ पे क्रोकोडाइल है या मगरमच्छ है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, इसके साथ ही लेक वगैरह होगी नदी वगैरह हुई या फिर जो मार्सी एरिया हुआ दलदल वाला वहाँ पे है पाया जाता है। इसके बाद में आता है सेकंड हमारा घड़ियाल। तो वो घड़ियाल है वो एक फिश ईटिंग क्रोकोडाइल, मतलब घड़ियाल होता है उसमें ये होता है डिफरेंस कि जो मगरमच्छ की तरह इसका मुंह है वो काफी थोड़ा चपटा सा होता है, लंबा सा चपटा सा मुंह। तो ये क्या करता है नॉर्मली जो छोटी मछलियां वगैरह होती है इनको खाते हैं घड़ियाल, और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट में काफी मात्रा में पाया जाता है और इसके लिए चंबल की नदी काफी फेमस भी है। ये ध्यान रखना है कि घड़ियाल है वो IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में शामिल है। और इम्पोर्टेंट इफेक्ट क्या है कि जो चंबल वाइल्ड लाइफ चंबल जो सेंचुरी है नेशनल चंबल सेंचुरी है वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कतरनी घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सोन रिवर जो सेंचुरी है, और जो रेन फॉरेस्ट बायोम है महानदी और रिवर पे वहाँ पे ये पाए जाते हैं, और उड़ीसा में भी घड़ियाल है वो पाए जाते हैं। यूपीएससी इनकी लोकेशन भी पूछ सकती है कि घड़ियाल है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो चंबल सेंचुरी है वहाँ पे नॉर्मली इनका ब्रीडिंग वगैरह भी होती है। इसके बाद में तीसरे टाइप का वो क्या है, तीसरे टाइप का है यहाँ पे वो है सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल। देखो सोल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल है वो एक लार्जेस्ट लिविंग रेप्टाइल है, मतलब यह जो क्रोकोडाइल की अदर स्पीसीज होती है ना इनमें सबसे लंबा है सबसे बड़ा होता है रेप्टाइल का, मतलब जो रैंकर चलते हैं जीवन को रेप्टाइल कहा जाता है। और इसे IUCN की कॉनकर्न लिस्ट में शामिल है वो किया गया है, और ये ईस्ट कोस्ट जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, मतलब पूर्वी तट है उस पर पाए जाते हैं नॉर्मली। तो यूपीएससी इसके बारे में भी फैक्ट है वो पूछ सकती है। तो इन तीनों को एक बार हमें हल्का हल्का और व्यू पे तौर पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से चलाए गए हैं।
देखो, जो घड़ियाल और जो सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, इनके लिए गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1975 में, और ये शुरुआत की गई थी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि उड़ीसा के अंदर काफी मात्रा में क्रोकोडाइल हैं, वो पाए जाते हैं, और किस तरह सभी स्पीसीज हैं वो भी यहाँ पाई जाती हैं। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि जो इसको टेक्निकल सपोर्ट दिया गया है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोग्राम को, वो दिया गया है यूएनडीपी और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी है। तो यूपीएससी यहाँ पे पूछ सकती है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनको सपोर्ट दिया गया है टेक्निकल वगैरह। तो हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखना है कि यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो, और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिलकर इसको टेक्निकल सपोर्ट और जो हेल्प है वो प्रोवाइड करवाई है। अब इसमें यहाँ पे दिया गया है कि देखो, प्रोजेक्ट लाए गए हैं चार। एक तो यहाँ पे दिया गया है हमें भोला प्रोजेक्ट, जो कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि देंगामाल में। तो ये एक भोला है, वो एक उड़िया वर्ड है जो कि सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल को रिलेटेड है, बिलोंग है, उससे टच है वो रखता है। तो देखो, इतना तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये जो चारों प्रोजेक्ट दिए गए इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे मरगर प्रोजेक्ट है, तो वो भी हमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एक है घड़ियाल प्रोजेक्ट है, तो ये भी इतना कुछ नहीं है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कैपेसिटी जो ब्रीडिंग है क्रोकोडाइल की, वो उड़ीसा के अंदर स्टार्ट है, वो की गई है। तो यूपीएससी इसके बारे में कुछ थोड़ा फोक वो पूछ सकती है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो आया है फिलिप कोटर राष्ट्रपति पुरस्कार को लेके, मतलब फिलिप कोटर जो प्रेसिडेंटल अवार्ड है उसको लेके। कंटेक्स्ट बहुत ही अच्छा है। कंटेक्स्ट ये है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको अभी ये पहली बार फिलिप कोटर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है वो किया गया है। क्यों? क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका जो योगदान है या उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनका वो क्या रहा है, उत्कृष्ट नेतृत्व, मतलब उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट के तौर पर किया है। एक तरीके से हम बोले तो कि ही वॉज सिलेक्टेड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लीडरशिप फॉर द नेशन, मतलब उन्होंने हमारे देश में आउटस्टैंडिंग लीडरशिप के तौर पे काफी अच्छा काम है वो किया है, इसलिए उनको फिलिप कोटर प्रेसिडेंटल अवार्ड के तौर पे सम्मानित किया गया है। देखो, जो फिलिप कोटर राष्ट्रपति पुरस्कार है ना, ये दुनिया भर के जो विभिन्न उद्योग संगठन हो गए या फिर जो विपणन टीम हो गई, व्यक्ति हो गई, उनको पहचानता है, उनको आइडेंटिफाई करता है। मतलब किसी ग्रुप को भी है दिया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल पर्सन को भी है दिया जा सकता है। और इसकी शुरुआत है वो की गई थी फिलिप कोटर नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे उनके नाम पे। तो यह चीज हमें ध्यान में रखनी है कि एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यहाँ पे केलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके जो प्रोफेसर थे जिनका नाम है फिलिप कोटर नॉर्थ वेस्टर्न, तो उनको उनकी या आप बोल सकते हो कि उनकी याद में जो फिलिप कोटर प्रेसिडेंट अवार्ड है वो स्टार्ट है वो किया गया। तो अभी भारत के प्रधानमंत्री को इससे सम्मानित है वो किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है हवाई ट्री स्नेल के बारे में। देखो, जो इस तरीके का आपने देखा होगा, जब भी आप बीच वगैरह में या फिर जब भी जैसे बालू बजरी वगैरह में आपने इस तरीके की एक चीज देखी होगी, जिसे नॉर्मली हम शंख के नाम से भी कई बार काफी बार देखते हैं, तो यह होता है घोंगा, या जिसे स्नेल के नाम से जाते हैं। तो जो हवाई ट्री जो स्नेल था, इसकी जो लास्ट स्पीसीज था, जो उसका लास्ट जो सबूत था, वो अभी एक्सटेंस है वो हो गया, विलुप्त हो गया। तो उसी को लेकर न्यूज आई है कि जो व्हाइट ट्री सनेलिया जो घोंगा था, वो 2019 में एक्सटेंड या लुप्त है वो हो चुका है। तो इसको लेके न्यूज है वो आई है। तो नए साल 2019 के मौके पे ही जो हवाई ट्री स्नेल था, वो एक ही लास्ट जो बचा हुआ था वो मतलब खत्म हो गया। तो अभी इसको ऑफिशियली तौर से विलुप्त है वो घोषित कर दिया गया है। तो उसको लेके न्यूज आई है, तो यूपीसी इसके बारे में पूछ सकती है। तो ये तो थे देखो बेसिकली आज की हमारे करंट अफेयर। अब हम आज के कुछ दो क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर नहीं कर पाए थे। पहला क्वेश्चन है वह स्वदेश दर्शन योजना के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि है संस्कृति मंत्रालय की प्रमुख योजना है या कल्चर मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है कि इस योजना के तहत 15 विषयगत सर्किट की पहचान है वो की गई है। तो देखो, आप सोचिए कि इस कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो सकता है। देखो, स्वदेश दर्शन जो स्कीम है वो स्टार्ट की गई थी टूरिज्म मंत्रालय के द्वारा, ना कि कल्चर मिनिस्ट्री। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो स्वदेश दर्शन स्कीम का मोटो ये रखा गया था कि हमारे देश के अंदर जो कल्चर, एक तरीके से जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है, और उसके क्लस्टर बेसिस पे जगह जगह जो टूरिज्म है उसकी साइट्स को डेवलप किया जाएगा थीम के बेसिस पे, ताकि वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो इसमें 15 विषय के सर्किट की पहचान है वो की गई थी, नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सब जगह अलग अलग। तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेके। देखो, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट यह है कि जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इसका ऑब्जेक्टिव था ये था कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस सेक्टर है इसको एक्सपेंड या इसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा स्टेटमेंट यह है
कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया गवर्नमेंट और जापान की गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है या जापान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर स्टार्ट किया गया है, तो हमें बताना कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखो, हम बात करें दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो बेसिकली गुजरात, तो गुजरात के बाद में यहाँ पे हम बात करें महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में यहाँ पे कुछ हिस्सा एमपी का भी आता है, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और दिल्ली तक। तो ये इसमें स्टेट है वो शामिल होते हैं। तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो कहाँ से कहाँ तक, मतलब कौन कौन से स्टेट से बिलोंग है वो टच है वो करता है। और इसका जो मेन मोटो ये था कि इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इसको प्रमोट किया जाएगा और सर्विस सेक्टर भी इससे एक्सपेंड है वो होगा, और जापान गवर्नमेंट के साथ ही इसको स्टार्ट है वो या इनिशिएटिव के तौर पे स्टार्ट किया गया था। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो देखो, ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।